लिए माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर आज तक बिहार का विकास हो रहा है। कई एक यात्राएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया और उस कड़ी में आपके विधानसभा क्षेत्र राजपुर में उनवास में भी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। विकास यात्रा, सेवा यात्रा, संकल्प यात्रा, लोगों के बीच में निश्चय यात्रा, उसके बाद जल जीवन हरियाली यात्रा उन्होंने किया है। यानी कि बिहार को उन्होंने एक प्रकार से सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक किया कि अब बिहार विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और जब जब जैसे जैसे जरूरत थी जो काम छूट गए हैं उसको करने की जरूरत है। उस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के बीच में प्रत्येक बार जाने का काम किया है और आगे भी जाने का काम करेंगे। आप देख लीजिए, यही एक समय है। हम लोग 2010 में मिले थे, 2005 में भी हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन 2005 से 6 के बीच के बात है। यही धनसोई से हम लोग जा रहे थे मोटरसाइकिल से, तो उस समय जो अब इटाड़ी से इधर जो इटाड़ी का खतीबा मोड़ है, खतीबा मोड़ पर 2006-07 की बात है, 2 बजे रात में एक आदमी अपनी औरत को साइकिल पर बिठा के शादी से घर जा रहा था। उस सुनसान जगह पर मैंने देखा, उसी दिन मैंने संकल्प किया कि धन्य है नीतीश कुमार और आपकी सरकार जो ये 2 बजे रात में एक व्यक्ति न्योता करके अपने औरत को पीछे साइकिल पर बैठा के जा रहा है। हमने देखा 2 बजे रात में सारा काम चुनौतीपूर्ण करते हुए उन्होंने किया। और 2015 में जब पुनः सत्ता मिली तो उन्होंने संकल्प लिया, संकल्प लिया, निश्चय किया कि आजादी से लेकर आज तक वैसे टोले मोहल्ले गांव हुआ जो छूट गए हैं, जहां वैसे लोगों को आज भी उसके दरवाजे तक चार चक्का की गाड़ी नहीं जा सकती है। आज भी जहां वो जल जमाव है, पानी के निकास के लिए नाली नहीं है, पानी के जल जमाव के चलते गंदगी फैलता है और गंदगी से उसके बच्चे और परिवार कुपोषण के शिकार होते हैं, उन्होंने निश्चय किया। और निश्चय में उस ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में भी गली का पक्कीकरण और जल जमाव के लिए नाली का निर्माण निश्चय की योजना में उन्होंने डाला 2015 में। सब काम करने के बाद उसके बाद उन्होंने क्या देखा? देखा कि बिहार, बिहार के लोग मेधावी हैं, बिहार के स्टूडेंट भी मेधावी हैं। निश्चित तौर पर बिहार